गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग मोशन इन प्लेन के लिए एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, 2019 में जेई में पूछा गया था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2019। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया जाता है, 60 डिग्री एंगल पर। तो देखिए, जब ये 60 डिग्री एंगल पर थ्रो किया जाएगा तो कहीं ये पहुंचेगा किसी पॉइंट पर। कहता है कि एक सेकंड बाद, एक अब क्वेश्चन समझिएगा, एक सेकंड बाद यानी जिस समय फेंका जाता है उस समय टी इक्वल टू जीरो। फिर कहता है टी इज इक्वल टू वन सेकंड में इसकी जो पाथ की जो ट्रेजेक्टरी होगी, देखिए एक सेकंड में यहां पहुंचेगा तो इस पाथ, ये जो पाथ बना रहा है इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पूरा पाथ है ऐसे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस मतलब यही होगा, और ये जो कि सर्कुलर पाथ है तो इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स बनाएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगेगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी हमको चाहिए क्या, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमको ये आपको पता करना है, सीधा सीधा पहले हमको मालूम क्या करना है ये देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। अब ये जो वैल्यू लिखी है v, ये फाइनल वेलोसिटी है एक सेकंड बाद की। देखिए जब ये एक सेकंड में पहुंचेगा तो इसका एंगल को चेंज हो चुका होगा, 60 डिग्री नहीं रहेगा। अब जब यहां ये पहुंचा तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा vx और दूसरा हो जाएगा vy। तो जब कभी ऐसा कोई सवाल हो जो एक सेकंड बाद या कितने भी सेकंड बाद अगर आपको निकालना हो वेलोसिटी, तो हम क्या करते हैं, उस जगह पर जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा vx, ध्यान समझिएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे। देखिए फार्मूला वही है हमारा पुराना वाला, v = u + at ऐसे कह लीजिए, ठीक है। तो यहां v क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या था, यहां जो इनिशियल था वही यहां भी रहेगा, पूरे पाथ में इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज होता। तो यहां बच्चों क्या बन जाएगा, यू कॉस थीटा या यू कॉस 60 कह लीजिए आप। अब ये क्या चीज है, ये है एक्स, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, टाइम है वन सेकेंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई भी एक्सेलरेशन था ही नहीं, वर्टिकल एक्सेलरेशन यहां काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब ये जीरो आप वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, यू कॉस 60, यू हमारा 10 है और कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू होती 1/2, आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अभी हमारा वी वाई निकालना बाकी है, वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यू वाई क्या है, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, u साइन 60। ay यहां पर क्या है, ay है वर्टिकल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन आपको 10 मिल ही रहा है, लेकिन माइनस साइन से लगाएंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड है और हम फेंक रहे हैं अपवर्ड, टाइम हो गया 1। तो देखिए यहां पर u कितना है, आपको u कितना है, 10 साइन 60 रूट 3/2 माइनस 10, तो आ जाएगा बच्चों 5 रूट 3 माइनस 10। ये वी वाई हमारा कंपोनेंट मिल गया, ये वी एक्स कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। अब हमको नेट वेलोसिटी निकालना है, तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 5√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस वी वाई कितना, अच्छा ये वी वाई ही था, सॉरी इसको आप ऐसे लिख लें, वी एक्स हमारा कितना था, 5 का स्क्वायर 25, वी वाई कितना है, 5√3 माइनस 10, ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर किया, थोड़ा लेंदी पड़ेगा ठीक है सॉल्व करने, ये वी की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां पर हमको एक प्रकार से इस ट्रेजेक्ट्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो आर निकालने के लिए वी स्क्वायर अपॉन ए करना। अब यहां ए क्या चीज है, देखिए
एक्चुअल में जो एक्सिलरेशन है वो डाउनवर्ड है, लेकिन ये एंगल चूंकि देखिए आर है ना, तो आर की ही डायरेक्शन में सेंट्रिपेटल फोर्स जो होता है, सेंट्रिपेटल एक्सिलरेशन जो होता है, वो सेंटर की तरफ हमको ए निकालना पड़ेगा एक्सिलरेशन। तो ये जो एक्सिलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो अगर मान लें यहां पर ए है इस तरफ, तो इधर अल्फा डिग्री एंगल बनेगा, थीटा ये नहीं बनेगा 60 डिग्री, अल्फा डिग्री एंगल बनेगा, और ये वही एंगल बनेगा जो यहां बनता है। अगर मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया जाए तो ये एंगल वही बनेगा जो यहां पर एंगल बनता है, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी एक्सिलरेशन की क्या हो जाएगी, ए कॉस अल्फा। इसको ध्यान समझे, क्योंकि एक्सिलरेशन इधर काम कर रहा है, एक्चुअल में एक्सिलरेशन इधर है, लेकिन आपको सर्कुलर पाथ देने के लिए एक्सिलरेशन सेंट्रिपेटल एक्सिलरेशन इधर की वैल्यू चाहिए होगी। तो ए तो हमारा इधर था, लेकिन ये कंपोनेंट चाहिए ए का, तो क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा डिग्री बनाएगा, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा। ध्यान रखें इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये एंगल के बराबर होगा। तो अब ये एंगल कैसे पता करेंगे हम लोग, तो अल्फा यहां से देखिए एंगल निकालने का तरीका क्या है, वीएक्स ये वीवाई, यहां पर वीवाई अपॉन वीएक्स, यहां पे कई बार निकाला होगा ये अल्फा, तो ये ट्रायंगल है, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो वर्टिकल टैन थीटा निकालना है, तो वही अल्फा टैन अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। अब वी वाई की वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, ये है 5√3 माइनस 10 अपॉन वी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 15 डिग्री आएगा, ठीक है, तो ये अप्रोक्स 15 डिग्री आएगा। तो यहां पर जो अल्फा है वो हमारा 15 डिग्री हो गया, तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है निकालने को वो ये है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, देखिए इस पूरे का हमें स्क्वायर करना है, तो यहां पे ये वैल्यू हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पर ये पूरी वैल्यू रख करके इसका स्क्वायर करेंगे, और ए क्या हो जाएगा बच्चों ए कॉस अल्फा। अब यहां ए क्या है 9, ये 10 वैल्यू दी गई है, तो 10 कॉस अल्फा, अल्फा क्या है बच्चों 15 डिग्री है, और वी स्क्वायर जो यहां पर आपका स्क्वायर हो, तो ये लगभग 2.77 के अबाउट आ जाएगा, और इसको हम 2.8 मान सकते हैं, ये हमारे आंसर दिया है 2.8। तो ये थोड़ा लेंदी इसलिए क्योंकि यहां कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है, आपने फेंका एक सेकेंड बाद हमने इसकी वेलोसिटी पता कर ली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसका हमने जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एंगल देख लिया कि Vx और Vy में क्या एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया, यहां पर एंगल की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने, तो ये सब कर्वेचर आ गया। तो नो डाउट ये क्वेश्चन लेंदी है, बट ये है कि जेई में मेंस में पूछा गया है जेई में, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन थोड़ा तो लेंदी होगा ही होगा, बाकी कॉन्सेप्ट देखिए आप कुछ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है या बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन टफ है लेंदी है वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।